फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अभी खेत तरफ जा रहा हूँ, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा यार, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जिससे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा और मेरा विलेज का आपको दृश्य दिखाता रहूँगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। मैं आज मेरा खेत में पानी पटाने जा रहा हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ क्या क्या व्यू मिलता है देखने को, सभी का आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप जो ये पाइप देख रहे हो, इस पाइप को हमको सीधा लाना है इधर, और उधर खेत में थोड़ा पानी डालना है जिससे हमको हल चलाने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। सारा कंप्लीट हो चुका है, अब बाकी है देखिए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग फाइनली इस पाइप को मोड़ चुके हैं और इसको भी बिछाते हैं उधर। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, सब लोग इस पाइप को भी उधर सीधा बिछाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। बिछा दिया है और आप देखते रहिए ब्लॉग को। तो दोस्तों, इस पाइप को मैं अभी जोड़ रहा हूँ उधर, जो जिस पाइप को मैंने उधर बिछाई है, इस पाइप को अभी इस पाइप के साथ जोड़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने सभी पाइप को जोड़ दिया है, अब चलिए पंप को स्टार्ट करते हैं, इस तालाब का पानी को सींचते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पानी पहुँच चुका है, ये देखिए पानी पहुँच चुका है यहाँ पर। अब इसी पानी को हम लोग यहाँ पर सिंचाई करेंगे। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। Thank you.
दोस्तों मेरा पानी पटाना ख़त्म हो चुका है और मैं अपना घर लौट रहा हूँ और साथ में गन्ना का भी मज़ा ले रहा हूँ। अब चलिए मोटर को बंद करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने अपने पुराना ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी जरूर देखिएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और प्लीज़ यार, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।